وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فأرقيه في الجنة فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانا قادرين अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर खास तौर पर हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र किया है, जिसके बारे में जिसका करार नहीं हमारे और आपके लिए वाक़ियात में बहुत सारे मसाइल भी है, आकाम भी है और इज़्ज़त भी है रथी के लिए कि देखो पहले हमारे नबियों के मुस्लिम लोगों ने कैसे कैसे सुलूक किए, कैसे कैसे बर्ताव किए, उस पर गौर करो और सोचो। यहाँ पर यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फिरौन को नजूमियों ने, काहिनों ने कह दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद जो बनु इसराइल चल रही है, इस नस्ल के अंदर जो है एक नबी पैदा होगा और वही तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा, तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करेगा। तो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम और ये लोग जितने वहाँ आबाद थे बनो इसराइल, तो उनके बारे में नजूमियों ने फिरौन के दिल में ये बात बिठा दी कि इसमें एक नबी पैदा होगा, एक आदमी पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर उसने कानून को लागू कर दिया, कानून बनाकर कि एक साल बच्चों को छोड़ा जाए और एक साल कत्ल किया जाए। जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस साल बच्चों के कत्ल का हुक्म था। अब जाहिर बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा घबरा गई कि बच्चा पैदा हो गया है और ये जासूस लगे हुए हैं, लोग चारों तरफ फिर रहे हैं, पुलिस वाले सिपाही, बच्चे को तो कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बजरिए इल्हाम, यहाँ वही को हमारे उलमा ने इल्हाम के सिलसिले में लिखा, इल्हाम के माना में है, बतौर इल्हाम के मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में एक बात डाली और अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि ए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तुम घबराओ मत, मूसा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में रखो, एक संदूक में रखो और संदूक में रख करके दरियाए नील में छोड़ दो। अंदाज़ा कीजिए कि माँ जो है अपने बच्चे को संदूक में बंद करके दरियाए नील में छोड़े, हमसे और आपसे या पूरे भरूच के लोगों से कहा जाए कि आधी दुनिया दे दी जाएगी, तुम अपने लड़के को संदूक में बंद करके नर्मदा में छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार कभी माँ बाप होंगे? नहीं हो सकते, कितना बड़ा इम्तहान है। तो अल्लाह ताला की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ऊपर वालिदा को इल्हाम हुआ कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में, संदूक में बंद करो और बंद करके उनको दरिया में डाल दो। पहले तो यही हुक्म दिया कि जब तक जासूस लोग ना आए और ये पुलिस वाले ना आए दूध पिलाती रहो और उनको घर ही में रखो। लेकिन चंद महीनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में खदशा हुआ, खटका हुआ कि कहीं ये जासूस लोग खबर ना निकाल ले और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना कर दिया जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब तुमको अंदेशा हो कि जासूस लोग फिर रहे हैं, पुलिस वाले फिर रहे हैं और गिरफ्तार करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त तुम उनको दरिया में डाल देना। उसी को अल्लाह ताला फरमा रहे, हमने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि तुम उसको पिलाती रहो, यानी जब तक पुलिस वालों को खबर ना हो, जासूस को खबर ना हो, दूध पिलाती रहो। फ़ायदा खिफ़ती, फिर जब तुमको उसके बारे में अंदेशा हो, डर हो, फालकी ए फिलियम में, तो उनको डाल दो तुम दरिया में। यहाँ दरिया में डालने में बराह रास्ते का है, लेकिन दूसरी जगह ताबूत का है कि संदूक में बंद करके, ताबूत में बंद करके मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दो। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तखाफी, और डरना मत कि संदूक में डाल देंगे तो कोई जो है मतलब ये कि जहरीला जानवर, दरिया में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा और कोई फाट डालेगा, मार डालेगा, ऐसा नहीं होगा। वला तखाफी, और अंदेशा मत करना, डरना मत, वला तहजनी, और गमगीन भी मत होना, इस पर गम भी लायक होगा लेकिन गमगीन मत होना। बहरहाल माँ तो माँ होती है, उसका जिक्र आगे आ रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रादू इलेक, हम उसको आपकी तरफ
वापस लौटा देने वाले, यानी दरिया में आज डालो, फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस ले आएंगे, वापस पहुंचा देंगे। अल्लाह का क्या निज़ाम होता है, अल्लाह की क्या कुदरत होती है, इस सबका इजहार इन आयात में। वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, और उसको बना देंगे हम रसूलों में से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को हम रसूल और पैगंबर बना देंगे। अब ये तो गया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हुक्म दिया कि तुम जब तक अंदेशा ना हो, डर ना हो, सिपाहियों का और जासूसों का, पुलिस का तो दूध पिलाती रहो, और जब अंदेशा बढ़ जाए और डर लग जाए कि कहीं जासूस आकर के इनको ले पकड़ ना ले और कत्ल ना कर दे, तो फिर तुम उसको जो है दरिया में डाल देना, संदूक में, ताबूत में बंद करके डाल देना। चुनाचे जब अंदेशा हुआ तो डाल दिया, अब दरियाए नील में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक बहता हुआ चला जा रहा है। फिरौन का जो महल था, दरियाए नील की एक शाख उधर निकल करके जाती थी, दरियाए नील से वो शाख जाती थी, उसी शाख में यानी उसी गोया के नहर के उस हिस्से में संदूक बहता हुआ चला जा रहा था। फिरौन के घर में जो कनीजें, जो बांदियां काम करने वाली थी, उस जगह पर, उस गोया के जगह पर आती थी, कपड़े उपड़े धोती थी, नहाती थी, और सब बर्तन वगैरह को धोना होना, साफ करना, वो सब करती थी। अब उस दिन वो सब कनीजें वहाँ आई हुई थी, और ये संदूक इधर से वहाँ पहुँच गया। जब संदूक पहुँच गया तो पानी में तेजी थी, थपेड़े, तो पानी ने थपेड़ा इस तरह मारा कि संदूक जो है वो चट्टान के ऊपर आकर के ठहर गया, रुक गया। अब वो कनीजें जितनी थी सब जमा हो गई कि ये संदूक में क्या है, क्या है। तो बाज कहने लगी कि देखो संदूक को खोलो मत, अगर संदूक को खोलोगी तो अगर खोलने के बाद जो है फिरौन की बीवी के सामने तुम लोग इस संदूक को पेश करोगी तो वो ये कहेगी कि इसमें सोना था और तुम लोगों ने चुरा लिया, इसलिए खोलने की जरूरत नहीं है, जैसा संदूक आया है वैसा ही रहने दो, और इसी संदूक को बेनी फिरौन की बीवी के सामने हम लोग ले जाकर पेश कर देंगे। चुनाचे संदूक को बहुत हिफाजत के साथ उन कनीजों ने, बांदियों ने रखा, लोंडियों ने रखा, और ले जा करके उस संदूक को फिरौन की बीवी आसिया के सामने ले जा करके रख दिया कि ये संदूक दरिया में से आया है और हम लोग इसको उठा करके लाए हैं और ये संदूक आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिए क्या है। चुनाचे उसमें यही है कि हजरत आसिया ने जब संदूक को खोला, संदूक को खोलने के बाद जब उसको देखा उन्होंने, तो देखा कि उसमें एक बच्चा है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, वो बहुत ही ज्यादा उनके दिल में मोहब्बत तड़प उठी कि ये बच्चा तो कैसा होनहार लग रहा है और कैसा खूबसूरत लग रहा है। उस बच्चे को देख करके ही आसिया जो है गोया के वो बच्चे पर मोहब्बत की वजह से फरेफ्ता हो गई। वो कहने लगी कि ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है, ऐसा तो बच्चा कभी देखा ही नहीं हमने। उसके बाद इतनी बात यानी चर्चा जब महल में होने लगा तो पुलिस वालों को खबर हो गई, सिपाहियों को, जासूसों को, सब जमा हो गए कि ये बच्चा हमारे हवाले करो, इस साल बच्चों के कत्ल करने का साल है, इसलिए बच्चा हवाले करो, तो बच्चे को हम कत्ल करेंगे। आसिया ने कहा, फिरौन की बीवी ने कहा कि ठहरो, हम जो है खुद फिरौन के पास हम जाते हैं और जाकर के हम उससे जो है बातचीत करते, गुफ्तगू करते, वो क्या कहता है फिर हवाला करेंगे। वो गई और जाकर के कहने लगी कि देखिए एक बच्चा जो है संदूक में मिला है, आया है, और बहुत खूबसूरत बच्चा है, आगे उम्मीद है कि ये बच्चा हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक का जरिया बनेगा, यानी बच्चे को हम रखेंगे तो बच्चे से तुमको भी खुशी और मसरत नसीब होगी, मुझे भी खुशी और मसरत नसीब होगी, इसलिए इसको तुम कत्ल मत करो, इसको रहने दो। फिरौन तो मान नहीं रहा था, लेकिन जब बीवी ने बहुत ज्यादा जोर डाला और ये कहा कि नहीं इसको रहने दीजिए, इसको कत्ल मत कीजिए, तो बीवी ने, फिरौन ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत इसरार करती हो और बहुत गोया के इसके ऊपर जो है तुम्हारा दबाव है, तो चलो बच्चे को उन बच्चों से हम मुस्तस्ना कर देते जिनको कत्ल किया जाता है। बीवी ने यह भी कहा कि ये तो एक बच्चा है और बनू इसराइल का एक बच्चा अगर जिंदा रह गया और बड़ा हुआ पला तो वो हुकूमत को कैसे खत्म कर सकेगा, एक बच्चे से क्या होगा। ये सब समझाने के बाद फिरौन समझ गया ये अल्लाह का असल निज़ाम चल रहा था, और फिरौन भी चुप गया और हामान और उसके लश्कर सब इसमें गया के खता कर गए, चुप गए।
को यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया। फिर और ने कहा ठीक है इसको रहने दो बच्चे को, अब बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को रहने दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम ये किया था कि बच्चा जो है किसी का दूध नहीं पी रहा था। बहुत सारी औरतें इधर से उधर से ढूंढ ढूंढ कर लाई गई और पिला दूध पिलाने के लिए, लेकिन किसी का दूध ही नहीं पी रहे। अल्लाह ताला ने उन दूध पिलाने वाली पाली औरतों के ऊपर जो है गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध के निकलने को बंदिश लगा दी थी, हराम कर दिया था, यानी बंदिश लगा दी थी। किसी के थन को यानी किसी की पिस्तान को मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंह ही नहीं लगाया, दूध ही नहीं पी रहे। तो फिर आसिया को बड़ी फिक्र हुई कि बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बचेगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा। उसने बांदियों को हुक्म दिया कि ले जाओ इसको बाजार में, और वहाँ बहुत सारी औरतें इधर से उधर आती जाती है, उनसे कहो कि दूध पिलाओ दूध पिलाओ, जिसका दूध ये पी ले उसको फिर मेरे दरबार में लाओ। अब उसके बाद ये तो गोया कि एक निज़ाम चल रहा है। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बहुत बेकरार थी, उसी को आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वास्बहा फुआद उम्मे मूसा फारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेकरार और बेचैन था, तमाम चीज़ों से दिल हट करके एक मूसा अलैहिस्सलाम पर दिल लगा हुआ था, क्योंकि ये बेटा था और ये बात करीब थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल को जिक्र कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल को मजबूत कर दिया, दिल के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने गिरा लगा दी, बंदिश लगा दी और दिल को मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इसका इजहार कहीं नहीं किया। और बेटी से कहा कि देखो संदूक तो मैंने दरिया में डाल दिया है और मेरा दिल बेचैन है, अब तुम जाओ और जा करके उसकी फिक्र रखो कि वो संदूक कहाँ जा रहा है और किधर जा रहा है, संदूक के पीछे पीछे तू चलती रहना, लेकिन दूर दूर से रहना, तो बहुत करीब मत जाना कि आदमी जान जाए कि भाई ये संदूक वाली है और संदूक इसी के घर का है, ऐसा जान ये सब नहीं करना। अजनबी बन करके दूर दूर से ही तू देखते रहना और संदूक के ऊपर निगाह रखना। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को माँ ने भेज दिया कि संदूक की खबर रखो और संदूक की खबर गिरी करते हुए जाओ। वो बहन जो है संदूक आगे आगे जा रहा है और वो पीछे पीछे जा रही है, और जब महल वालों ने उस संदूक को उठा लिया और उठा लेने के बाद इन्होंने देख लिया कि महल वालों ने उठा लिया, फिरौन के महल की जो कनीजें थी बांदियां थी उन्होंने उठा लिया, इन्होंने उसको देख लिया, और वो लोग ये महसूस नहीं कर रहे थे कि ये संदूक को जानने वाली है और ये संदूक के बारे में खबर रख रही है, ये उन लोगों को महसूस नहीं हुआ, पता नहीं चला। अब उसके बाद जो है वो संदूक को उन लोगों ने उठा लिया और ले गई वो बांदियां घर। अब उसके बाद जब उसमें से मूसा अलैहिस्सलाम निकले और हजरत आसिया ने जब इनको देखा तो फिरौन के लश्कर तो कत्ल करने ही के लिए आ गए थे, लेकिन इन्होंने उनकी रिहाई दिलवाई सिफारिश करके। अब वो दूध पीने के लिए किसी का तैयार नहीं, किसी के दूध को वो ले नहीं रही, नहीं रहे मूसा अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद आसिया ने कहा कि देखो बाजार में जाओ और औरतें इधर से उधर जाती आती है, जिसका भी ये दूध पी ले उसको बुला करके मेरे पास लेकर के आ जाओ। अब इतने में मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी किसी तरह वहां पहुंच गई तो देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम लोगों को एक ऐसी औरत की तरफ रहनुमाई करती हूँ कि जो दूध भी पिलाएगी और इनकी खैरखाई भी करेगी, हमदर्दी भी करेगी और बहुत अच्छी तरह से रखेगी, ऐसी औरत के बारे में मैं तुम्हें इत्तला देती हूँ, खबर देती हूँ। चुनाचे कहा कि ठीक है ले आओ उसको। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आ गई। माँ आने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने लगी तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया, और जब दूध पीना शुरू कर दिया तो बहुत चर्चा हो गया, महल में बुला ली गई, वो महल के अंदर चली गई। अब आसिया जो फिरौन की बीवी है वो महल में चली गई तो कहने लगी कि देखो तुम महल ही में रह जाओ और ये बच्चे को तू दूध पिलाती रहो और बच्चे के परवरिश करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ये समझ गई कि इनको सख्त ज़रूरत है मेरी, और मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की सख्त ज़रूरत है और मेरे सिवा कोई है नहीं यहाँ, तो वो भी समझ गई तो कहने लगी कि नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे लिए तो दूसरे बच्चे भी मेरे हैं और जब दूसरे बच्चे हैं तो उनको छोड़कर मैं यहाँ किस तरह रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं ये है कि ये बच्चा दे दीजिए मुझे, मैं बच्चे को घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी, देखभाल कर रखूंगी, दूध पिलाऊंगी,
और फिर तुमको लाला करके दिखाते भी रहूंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वक्फे वक्फे से तेरी खिदमत में लाती रहूंगे। और फिर उसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से, शाही खानदान से मूसा अलैहि सलाम की वालिदा के लिए मजदूरी तय कर दी गई कि दूध पिलाने की मजदूरी इतनी मिलेगी। देखिए अपने ही बेटे को दूध पिला रही है और हुकूमत की जानिब से उनको मजदूरी भी मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। तो मजदूरी भी तय कर दिया और दूध पिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा उनको लेकर के चली गई। कुछ अरसे तक अपने घर में रखने के बाद मूसा अलैहि सलातो सलाम की सेहत तंदुरुस्ती मजबूती तो पहले ही से थी और तंदुरुस्ती हुई मजबूती हुई। कुछ दिनों के बाद उनकी वालिदा आसिया को दिखाने के लिए, हजरत आसिया को दिखाने के लिए लेकर आई दरबार में, शाही दरबार में बच्चे को मूसा अलैहि सलाम को लेकर के वो आ गई। अब आई तो फिर वो उसने पहले से ऐलान कर दिया था कि मेरा बच्चा आने वाला है, सब कोई इनाम देना और जिसका एहतराम करना है, एजाज करना है, इकराम करना। अब मूसा अलैहि सलाम जब आए दरबार में तो जिनके पास जो कुछ है हदायत आयत देना शुरू कर दिया। सब इनामात को जमा करके हजरत आसिया ने मूसा अलैहि सलाम की वालिदा के हवाले कर दिया कि तेरे बेटे को ये इनामात मिले हैं, तुम इसको ले जाओ अपना घर, तुम्हारी मिल्क है, तुमको मैं मालिक बना देते हूँ, तुम ले जाओ। मूसा अलैहि सलातो सलाम को दिखाने के लिए लेकर के आई उनकी वालिदा। अब उसके बाद यहाँ एक मसला हो गया, मसला ये हो गया कि आसिया ने बच्चे को गोद में लिया, मूसा अलैहि सलाम को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद फिरौन के हवाले कर दिया। अब फिरौन को भी यार आप भी गोद में ले लीजिए। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम को गोद में लिया है तो मूसा अलैहि सलाम ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ करके सर को झुका दिया, दाढ़ी को पकड़ा और दाढ़ी पकड़ करके सर को झुका दिया। अब फिरौन तो फिरौन था ही, दरबारी लोग और जितने लश्कर और फौज और सिपाही पुलिस वाले कहने लगे कि फिरौन जी, बादशाह जी, ये बच्चा तो लगता है कि वही है जिसके बारे में नौजिमियों ने खबर दी है कि तेरी हुकूमत और तेरी सल्तनत को खत्म करेगा, इसलिए बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। फिरौन भी समझ गया कि हाँ देखो मेरी दाढ़ी को पकड़ करके झुका रहा है, इसका मतलब मेरी सल्तनत को खत्म करेगा ये बच्चा, ऐसा ही लग रहा है। फौरन जो है ये भी एक तरह का इम्तहान था। अब उसके बाद हजरत आसिया को इत्तला हुई, वो तो कत्ल का मसला चल रहा है वहां, फौरन दौड़ी दौड़ी आई। वो कहने लगी फिरौन से कि देखो ये बच्चा है और बच्चा जो है वो क्या बच्चे में इतना शोर नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है कि वो दाढ़ी किसी की पकड़ कर झुकाए या किसी को, ये तो गैर फितरी चीज है, यानी मतलब ये फितरी चीज है कि बच्चा कभी किसी की दाढ़ी पकड़ लेता है, कभी कान पकड़ लेता है और इस तरह से झुकाता है, इधर झुकाता है उधर झुकाता है, ये बचपन की आदत है, ये बचपना है, ये कोई शोर और समझ से ऐसा नहीं कर रहा है। अगर तुम चाहो तो इम्तिहान कर लो ताकि पता चले कि ये शोर और समझ से नहीं कर रहा है बल्कि ये तो बचपन की वजह से कर रहा है, बच्चा छोटा है, बहुत मासूम है, इसलिए ये बचपन की वजह से कर रहा है, समझदारी की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है। और अगर तुमको इम्तिहान करना हो तो कर लो, दो आग के अंगारे लाओ और दो हीरे लाओ, दो मोती लाओ और दो अंगारे लाओ, और दोनों अंगारों को वहां रख दो और दोनों मोतियों को इधर रख दो। अब ये देखो कि बच्चा जो है बच्चा होता है, समझदारी तो होती नहीं, अब ये किसको हाथ लगाएगा ये देख लेना। अब उसके बाद जो ही मूसा अलैहि सलाम के सामने आग रखी गई, आग तो गोया कि रोशन और चमकदार भड़कदार, बच्चे तो उधर ही झुकेंगे और हीर मोती जो है वो भी चमकदार है लेकिन उसके मुकाबले में कम। मूसा अलैहि सलाम आग की तरफ, मतलब वो आग की तरफ जो है हाथ ले जा रहे हैं, अब जाहिर बात है वो मोती की तरफ हाथ ले जा रहे थे पहले मोती की तरफ, लेकिन हमारे हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम वहां मौजूद थे। जिब्राइल अलैहि सलाम ने हाथ को आग की तरफ फेर दिया, आग की तरफ फेरने के बाद आग को उन्होंने हाथ में ले लिया और फिर उसके बाद जो है फौरन आसिया बोलने लगी कि देखिए ये बच्चा है, यहाँ मोती है और यहाँ आग है, तो ये समझदारी तो थी है नहीं इसमें, इसलिए इसने आग ही की तरफ हाथ बढ़ाया, आग ही को उठाया। अगर इसमें समझदारी होती तो आग को क्यों लेता, ये तो मोती को पकड़ता, मोती को उठाता। इसका मतलब ये है कि इसमें शोर समझ नहीं है और ना समझी में इसने तुम्हारी दाढ़ी को जो है पकड़ लिया है और झुकाया है, इसको हुज्जत और दलील बनाना कि ये बच्चा आगे चल करके तुम्हारी हुकूमत को खत्म करे, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। फिरौन को समझा, अब वो फिरौन भी समझ गया कि ठीक है ऐसी बात है तो बचपने की बात है तो जाने दो।
अब उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिहाई यहाँ पर भी हो रही है। अब ये सब तफसीलात है जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अंदाजा कीजिए कि किन किन हालात से नबी और नबी के माँ गुजर रहे हैं, उसको अल्लाह ताला बतला करके इबरत दिला रहे हैं हमारे हमें और आपको यानी हुजूर साहब को कि मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर कैसे कैसे हालात आए। तो यहाँ पर जरा उसी को अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। देखिए अल्लाह अपनी कुदरत को भी दिखाते हैं। इन्ना फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा कानू खातिईन, बेशक फिरौन और हामान और उन दोनों के लश्कर कानू खातिईन बहुत चुक गए, बहुत चुक गए। यानी जो दुश्मन मूसा अलैहि सलाम थे उनके और उन्हीं के हाथों पर फिरौन की हुकूमत खत्म होने वाली है, उन्हीं के हाथ में उसकी हुकूमत और सल्तनत जाने वाली है, उन्हीं को उठा करके लेकर के आया फिरौन और हामान लेकर आए और उसी की परवरिश कर रहे हैं, उसी को खिला पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसमें गोया कि वो लोग बहुत भारी चुप उनसे हो गई, गलती हो गई, चुक गए। वकालत इमरातु फिरौन, और फिरौन की बीवी ने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक से निकाला उन बांदियों ने कनीजों ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम की वो फिरौन की बीवी आसिया ने कहा कदे का, और फिरौन की बीवी ने कहा कुर्रतु ऐनी ली वलक, मेरे लिए और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, यानी ये बच्चा आइंदा आगे चल करके मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा, यानी खुशी और मसरत की औलाद बनेगी, खुशी और मसरत का बायस बनेगा ये बच्चा, इसलिए इस बच्चे को रहने दिया जाए। ला तक्तुलु, उसको कत्ल मत करो। असा अन्यन्फाना औ नत्तखिज़ुहु वलदा वहुम ला यशकुरू, उम्मीद है कि हम इस ये बच्चा हमें नफा पहुंचाएगा। ये हजरत आसिया कह रही है कि उम्मीद है कि ये बच्चा हमें नफा देगा। चुनाचे हजरत आसिया ने उसकी तरफदारी की मूसा अलैहिस्सलाम की और ये बोल पड़ी कि नफा पहुंचाएगा ये बच्चा, नफा पहुंचाए इस तरीके पर कि अल्लाह ताला ने इसी बच्चे की मदद से हजरत आसिया को ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान से सरफराज फरमाया। ईमान पर गोया के आ गई, बाद में वो तफसीलात है। असा अन्यन्फाना, उम्मीद है कि हमें ये बच्चा नफा देगा या हम इसको औलाद बना लेंगे, यानी हजरत आसिया की औलाद नहीं थी, तो कहने लगी कि अगर ये बच्चा जो है अगर जिंदा रहा और बढ़ा और पला और जवान हुआ तो हम इसको मतबन्ना बेटा बना लेंगे, औलाद बना लेंगे। वहुम ला यशुरून, और वो समझ नहीं रहे थे कि यही बच्चा जो है हुकूमत के खत्म होने का जरिया बनेगा, हुकूमत इसी के हाथ पर खत्म होगी, फिरौन खत्म होगा, उसका लश्कर खत्म होगा, सब खत्म होंगे, इसको वो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह ताला सारी चीजों को जानते, सारी चीजों को समझते। लेकिन यहाँ पर जो हजरत आसिया ने कहा अन्यन्फा आना, ये बच्चा हमें नफा पहुंचाएगा या हम इसको औलाद बना लेंगे, इसी की बरकत से अल्लाह ताला ने आसिया को ईमान की दौलत से नवाजा। वह अस्बहा फुआद उम्मे मूसा फारेगा, और मूसा अलैहि सलाम की वालिदा का दिल बेकरार हो गया। बच्चे को दरिया में डालने के बाद माँ के दिल को बेचैनी और बेकरारी ये लाजमी चीज है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेकरार हो गया। आगे कहते इनकादत लतुब्दी भी, करीब थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाल को जाहिर कर दे, यानी बहुत बेचैन थी और मूसा अलैहिस्सलाम के हाल को लोगों के सामने जाहिर कर दे कि मैंने अपने बच्चे को दरिया में डाल दिया है और बच्चा जो है संदूक में बहता हुआ चला जा रहा है। अभी के पुलिस वालों को ये बात मालूम हो जाती तो फौरन वो लोग संदूक से निकाल करके उसको कत्ल कर देते, तो इस करीब थी कि वो जाहिर कर दे। कदे इनकादत, करीब थी कि वो अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम के हाल को जाहिर कर दे। लौला अन रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उसके दिल को मजबूत न कर देते इस गर्ज से कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए, यानी अल्लाह ताला फरमाते हम मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को मजबूत न कर देते, उनके दिल पर गिरा न लगा देते और दिल को मजबूत न कर देते तो वो फौरन बता देती, लेकिन मैंने दिल को मजबूत कर दिया ताकि वो बाद में जो हालात पेश आने वाले हैं उसके बारे में यकीन करने वालों में से हो जाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, तो दिल को मजबूत कर दिया। और उसने गोया के संदूक के बारे में कोई ज्यादा इजहार नहीं किया और किसी के सामने कुछ कहा नहीं। आगे कहते वकालत ले उख्ती, और उन्होंने उनकी बहन से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से, उसी है उसके पीछे पीछे जाओ, ये संदूक जो जा रहा है दरियाए नील में उसके पीछे पीछे जाओ। फबसुरत भी अंजुनुबिन, बस वो उसको देखती रही दूर से, एक तर्जमा, और दूसरा है कि अजनबी बन करके देखती रही कि कोई पहचान ना लेके ये संदूक को जानती है और संदूक के पीछे जा रही,
तो दूर से वो संदूक को देखती हुई जा रही है और अजनबी बन करके जा रही है, और बसुरत भी पशुओं उसको देखती रही दूर से। वहुम लायशुरून, और लोग समझ नहीं रहे थे, लोग जो गया के वो बांदियां थी, कनीजें थी, उनको ये पता नहीं था कि ये लड़की जो संदूक के पीछे पीछे चली चली आ रही है, ये उसको जानती है संदूक को और बच्चे को जानती है, लोगों को पता नहीं था। ये दूर दूर से गया के संदूक पर निगाह रख करके चल रही थी। अब उसके बाद मसला ये है कि वहाँ बांदियों ने, लोंडियों ने, कनीजों ने जो संदूक चट्टान के ऊपर आकर के ठहरा तो उसको उठा लिया। अब उठा करके ले जा करके फिरौन की बीवी के सामने रख दिया। वहां रमना अलहिल मरा दिया, और हमने बंदिश लगा दी उसके ऊपर दूध पिलाने वालियों को, बिन कबलो पहले से। अल्लाह ताला ने जितने दूध पिला लिए, पिलाने वाली आती थी, किसी के दूध को भी मूसा अलैहि सलाम नहीं लेते थे। मूसा अलैहि सलातो सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने बंदिश लगा दी दूध पीने से, यानी दूसरी औरतों के दूध के पीने पर बंदिश अल्लाह ताला ने लगा दी और कंट्रोल कर दिया कि किसी का वो दूध नहीं लेते थे। मिन कबलो पाले से, अब यहाँ पर उनकी बहन भी पहुंच गई, और बहन किसी तरह से पहुंच गई कि वहां जहाँ हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम को रखे हुए हैं, औरतें बुलाई जा रही है, फका या फुलू रहना, कैसे घर वाले जो उसकी परवरिश करेंगे, के पालन करेंगे, के बाल करेंगे तुम्हारे लिए, वह लहू ना से उन और उसके लिए हम दर्द होंगे फिर खा होगा। ये गया के सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला थोड़ा चलेगा, इस तक अभी थोड़ा सा फरदा ना हो इलाहु भी। फिर हमने मूसा अलैहि सलाम को वापस लौटा दिया उनकी माँ के पास। वो बच्ची किसी औरत का जो दूध मूसा अलैहि सलाम नहीं पी रहे, हंगामा हुआ, तो ये जो आदिया ने कहा कि भाई बाजार में ले जाओ और खबर बोल कि ये बच्ची ने कहा कि एक औरत है जिसके बारे में मैं तुम्हें रहनुमाई करती हूँ, वो दूध पिलाएगी तो ये पी लेगा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहि सलाम की माँ को बुलाया, और बुला करके फिर उसकी गोद में जब मूसा अलैहि सलाम को दे दिया गया, तो मूसा अलैहि सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फरदर ना हुए इलाकों में बस हमने मूसा अलैहि सलाम को उनकी माँ की तरफ लौटा दिया, कई तकर रहा है ताकि उसकी आंखों की कसरत हो जाए, यानी उसको खुशी और मसरत नसीब हो जाए कि मेरा बेटा जो दरिया में डाला गया आज फिर मेरी गोद में आ गया है दूध पिलाने के लिए, कि मैं दूध पिलाऊँ उसको, उसकी परवरिश करूँ। मना ताजन और गमगीन ना हो, अल्लाह ने वादा किया था शुरू के अंदर कि दरिया में जब इसको डाल दो उस पर गम मत करना और उसके बारे में कोई डर और खौफ महसूस करना मत करना कि दरिया में कोई बड़ा जानवर खा जाएगा, ये बच्चा हम तुमको लौटा देंगे और तुम्हारे पास वापस कर देंगे। फिरौन के दरबार से वो बच्चे को मूसा अलैहि सलाम की वालिदा के कब्जे में दिया जा रहा है, उनकी गोद में दिया जा रहा है। बने ताला और ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला का वादा हक, अल्लाह ने वादा किया था कि डाल दो दरिया में और डरो मत, हम इस बच्चे को तुम्हारी तरफ वापस कर देंगे। तो देखो आज वापस अल्लाह ताला ने कर दिया। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर बहुत जानते हैं। अल्लाह ताला जिस चीज़ का वादा फरमाते हैं वो वादा पूरा होता है, वो वादा कभी टलता नहीं है। इसी तरीके पर यहाँ पर कहें अल्लाह ताला के, देखो बच्चा तुमने दरिया में डाला और मैंने तेरी गोद में वापस ला के लौटा दिया, और कोई बच्चे को कहीं तकलीफ नहीं पहुँची। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि अल्लाह जो वादा करते हैं वो पूरा करते नहीं जानते। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच है, बरक है। आखिरत के सिलसिले में और दूसरी जितने भी उम्र के सिलसिले में अल्लाह ने वादे फरमाए हैं सब अपना हो करके रहेगा, जो कुछ होना था हो चुका है और जो कुछ बाकी है वो सब हो करके रहेंगे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा की खिदमत में पहुँच चुके हैं, और उनकी वालिदा की खिदमत में गया कि तरबियत हो रही है, परवरिश हो रही है, और फिर धीरे धीरे बाद में जवानी की उम्र पहुँच जाएंगे। जवानी की उम्र पहुँचने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इम्तहान के सिलसिले शुरू होंगे। उसका بسم الله الرحمن الرحيم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين تو ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں سے تو درگزر فرما ہم سب کی خطاؤں کو تو معاف فرما یا إله العالمين آج ہم لوگوں نے تیرے کلام پاک کا جو حصہ پڑھا
उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा का जिक्र है। उनकी वालिदा से जो तूने वादे फरमाए या अल्लाह, दुनिया में उस वादों को तूने पूरा कर दिया। परवरदिगार आलम, उम्मत मुस्लिमा मोमिनीन के लिए जिन वादों का तूने जिक्र फरमा रखा है कुरान करीम में, ईमान वालों के लिए जिन वादों का जिक्र फरमा रखा है, या अल्लाह उन वादों पर हम सबको यकीन करने की तौफीक नसीब फरमा। अपने उन वादों पर हम सबको यकीन करने, यकीन कामिल करने की तौफीक नसीब फरमा। तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे वादे झूठे नहीं हैं। उन वादों के मुताबिक तो हम सबको यकीन, उन वादों पर यकीन करने की तौफीक नसीब फरमा, और हम सबको अमाले सालेहा करने की तौफीक नसीब फरमा, नेक कामों के करने की तौफीक नसीब फरमा, बुरे कामों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो हम सब की मगफरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ये रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना है। या अल्लाह इस बरकत वाले महीने में अपनी बरकतें हम सब के घरों में नाजिल फरमा, उम्मत मुस्लिमा के घरों में नाजिल फरमा, हम सब के घरों में नाजिल फरमा। शरूर फितन से हम सब के घरों की हिफाजत फरमा, महल्लों की हिफाजत फरमा, मुसलमान मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों सब की तू हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद मकाबिर सब की तू हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन, अपने वादों पर हम लोगों को यकीन नसीब फरमा, और यकीन के साथ साथ हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा। सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।